गोइंग टू और अबाउट टू दो ऐसे सेमी मॉडल्स हैं जो कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ हम गोइंग टू का यूज करेंगे, कहाँ हम अबाउट टू का यूज करेंगे। बट आज के बाद आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि आप आज के बाद गोइंग टू और अबाउट टू में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज मी रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश तक। गोइंग टू और अबाउट टू दोनों का यूज लगभग एक जैसे हैं, दोनों सेमी मॉडल्स हैं और दोनों का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो इसकी सिमिलैरिटीज़ है, बट जो मेन डिफरेंसेज है दोनों में, अंतर क्या है, कन्फ्यूज करने वाली कौन सी ऐसी बात है जहाँ लोग कन्फ्यूज हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आज उस सीक्रेट को रिवील करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रिवील दैट सीक्रेट। आज मैं उस रहस्य को खोलने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ। वो कौन सा रहस्य है? देखो, गोइंग टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं, या फिर वाला था, वाली थी, वाले थे, या फिर वाला होगा, वाली होंगी, वाले होंगे। अबाउट टू का भी हिंदी मीनिंग यही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। अब देखो, गोइंग टू का मतलब होता है वाला है परंतु जो अभी नहीं होगा। जैसे किसी ने बोला कि वह भाषण देने वाला है लेकिन वह अभी भाषण देने वाला नहीं है, इसके लिए हम गोइंग टू का यूज करेंगे। अगर आपने बोला कि भाषण देने वाला है और अभी अभी देने वाला है, उसके लिए अबाउट टू। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी ने बोला कि ही इज गोइंग टू डिलीवर स्पीच, वह भाषण देने वाला है, तो इसका मतलब है वो आप अभी नहीं भाषण दे रहा, हो सकता है 5 घंटे बाद देगा, कल देगा, परसों देगा, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद देगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला कि ही इज अबाउट टू डिलीवर स्पीच, इसका मतलब है स्टेज सज चुका है, यानी पूरी तैयारियां हो चुकी है, नेताजी स्टेज पे आएंगे, माइक लेंगे और भाषण देना शुरू कर देंगे वो। तो अबाउट टू का मतलब होता है जो चीज़ होने होने को है, होने ही वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे, और जो चीज़ होने वाला है परंतु अभी नहीं, इंस्टेंट नहीं होगा, उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी ने बोला आपसे, बहुत सही एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे आप 100% समझेंगे। किसी ने आपसे ऐसा बोला कि आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, इसका मतलब है कि वो अभी नहीं क्रिकेट खेलने वाला है, वो बाद में खेलेगा। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब है वो अभी अभी जस्ट खेलने ही वाला है, मैदान में जा रहा है और खेलेगा वो, ये मतलब हुआ। अब एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा, इससे आप 100% समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गोइंग टू का मतलब होता है वाला है परंतु जो अभी नहीं होने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है अभी वो होने वाला है, जस्ट होने को ही है, होने होने वाला है, तो इसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी लोग हो, किसी ने आपसे बोला कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, किसी ने ऐसा बोला, तो आप उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दो, यदि आप जानते हो तो, ठीक है, आप उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि उसने बोला है कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, तो आपने, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दो। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि आई एम अबाउट टू सुसाइड, तो आप तुरंत उसे होल्ड करो, यानी उसका हाथ पकड़ो, दो चार चाटा मारो उसको, और उसके घर वाले को इंस्टेंट फ़ोन लगाओ और उसे बोलो कि भाई क्या ऐसा प्रॉब्लम है, बंदे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है और वो अभी अभी वो सुसाइड करने की मूड में है, ऐसा वो कह रहा है। अब मान लो कि किसी ने बोला कि आई एम गोइंग टू सुसाइड, आपने उसे सीरियस लिया नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है आई एम गोइंग करने वाला है, तो आपने सीरियस लिया नहीं, और उस 10 मिनट बाद आपको खबर मिलती है कि ऊपर, यानी वो सुसाइड कर लिया है, तो इसका मतलब ये ही है कि वो रंजन सर से पढ़ा नहीं था, क्योंकि गलत इंग्लिश बोल गया वो बंदा या बंदी, वो बोल गया, इंग्लिश बोल गया आई एम गोइंग टू सुसाइड और काम कर गया अबाउट टू वाला, यानी वो इंग्लिश बोल गया देरी वाला और काम कर गया इंस्टेंट वाला। तो इसलिए सही इंग्लिश बोलना भी कहीं कहीं काम करता है। अगर वो बंदा हो या बंदी हो, अगर बोलता कि आई एम अबाउट टू सुसाइड, तो आप पकड़ लेते, आप उसे बचा लेते, लेकिन उसने गलत इंग्लिश बोल गया। तो इंग्लिश भी सही जगह पे बोलना पड़ता है सही से, लेकिन इसके लिए दो काम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बंदा को ये सही इंग्लिश बोलना पड़ेगा, समझने के लिए भी, समझने वाले को भी रंजन सर से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है गोइंग टू और अबाउट टू का सही यूज़ हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। गोइंग टू का मतलब है कोई भी चीज़ होने वाला है लेकिन अभी नहीं, अबाउट टू का मतलब है कोई भी चीज़ होने वाला है परंतु अभी अभी ही होगा वो, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। किसी ने बोला ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है, तो वह मरने वाला है, कोई हॉस्पिटल में है, 90 ईयर्स का
मतलब कोई ओल्ड मैन है, कोई भी ओल्ड पर्सन है, वो कह रहा है ही इज़ गोइंग टू डाई, यानी वो मरने वाला है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि वो अभी ही मरेगा, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि ही इज़ अबाउट टू डाई, तो वो मरने मरने को हो, यानी मरने ही वाला है वो। इसका मतलब ये है कोई 90 ईयर्स का कोई पर्सन है और उसके सही ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, देयर इज नो सिंगल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो उस केस में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भाई ले जाओ इसे, ठीक है, तो उस केस में बोल सकता है ही इज अबाउट टू डाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा गोइंग टू और अबाउट टू, लेकिन ध्यान रखें गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ सही जगह पे यूज करना है और सही से यूज करना है। तो बोलने वाले को भी सही से बोलना पड़ेगा और समझने वाले को भी इंग्लिश तक पे पढ़ना पड़ेगा, रंजन सर से पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया गोइंग टू और अबाउट टू, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स। आप इस लिंक को सभी के पास फॉरवर्ड करो, क्योंकि सभी को इस प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो वही गोइंग टू और अबाउट टू वाला मैटर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस लिंक को तो निश्चित रूप से सारे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।